जय हिंद मेरे प्यारे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, महाबलीपुरम मंदिर जो है इसका निर्माण कार्य जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप कहेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य कराया गया था। किस मंदिर का, महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर भैया, तमिलनाडु में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है किसके शासनकाल में, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में कराया गया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दो, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। ए, पहला ऑप्शन है राजराज चोल, बी है चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय, सी है नाना साहेब पेशवा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे, यहां पर आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर यह भी कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर जी यह मंदिर भी तमिलनाडु में ही स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। और इसका निर्माण कार्य किसके शासनकाल में हुआ था, राजराज चोल। ठीक है भैया, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। भैया यहां पर ध्यान देना है, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो भैया यहां पर आपको बताना है कि बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन सी अर्थात तमिलनाडु यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों को अभी मैंने बताया था इससे पहले ही कि इसका निर्माण कार्य किसके शासनकाल में, राजराज चोल के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए भैया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चार, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल जो लक्ष्मी जी का मंदिर है ये कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है तमिलनाडु। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन डी अर्थात तमिलनाडु यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भैया ये किसके शासनकाल में हुआ है, तब चोल शासकों के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। तो यहां पर श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल जो लक्ष्मी जी का मंदिर है इसका निर्माण कार्य किसके शासनकाल में, चोल शासकों ने करवाया था, ये कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर जी तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पांच, गंगकोंड चोलपुरम मंदिर कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा है गुजरात। तो मेरे प्यारे, यहां पर इसका जो है निर्माण कार्य किसने कराया था, राजेंद्र चोल प्रथम ने, किसने कराया था और ये कहां पर स्थित है, भैया तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण कार्य जो है किसने कराया था, राजेंद्र चोल प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया था। भैया यहां पर ध्यान दीजिएगा, शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मीनाक्षी मंदिर शिव प्लस पार्वती अर्थात शिव पार्वती का मंदिर है, ये कहां पर स्थित है। भैया यहां पर ध्यान देना है, मीनाक्षी मंदिर आप लोगों को बताना है ये कहां पर स्थित है। देखते हैं कौन कौन बच्चा जो है यहां पर बताता है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो मेरे बच्चों आप लोग बताइएगा कि मीनाक्षी मंदिर जो है जो कि शिव और पार्वती जी का है मंदिर, और यहां पर बताना है ये कहां पर स्थित है। चलिए सभी बच्चे यहां पर फटाफट बताइएगा मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। ए है केरल, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो भैया यहां पर आप लोगों का कौन सा ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप लोगों को बताना है। यहां पर ये इसका जो सही जवाब है वह कौन सा है, अभी तक आप सभी बच्चों का हमें जवाब नहीं मिल पाया है, हम जो है आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए सभी बच्चे यहां पर फटाफट बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। मीनाक्षी मंदिर शिव पार्वती का मंदिर है, ये कहां पर स्थित है। ए
ए केरल, बी गुजरात, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां, विरूपाक्ष मंदिर शिव का मंदिर है, यह कहां पर स्थित है? ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, डी है तेलंगाना। तो मेरे आपको यहां पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी अर्थात कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? भैया यहां पर बताना, बहुत गजब का प्रश्न, सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? ए कर्नाटक, बी है तेलंगाना, सी है केरल और डी है आंध्र प्रदेश। तो भैया यहां पर आपका सही जवाब क्या है, यहां पर आपका है केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? भैया भगवान वेंकटेश्वर का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या केरल? तो मेरे पे अब जो यहां पर आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहां पर स्थित है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साईं बाबा मंदिर कहां पर स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी गोवा, सी महाराष्ट्र और डी है ओडिशा। तो मेरे पे आपको ये कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जी महाराष्ट्र। कहां पर भैया, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे मेरे पे आपको आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रैक्टिस लिस्ट से थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये सभी प्रश्न के उत्तर अच्छे लगे होंगे।